है डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू लेक्चर सिक्स ऑफ अ चैप्टर वन दैट इज सिग्निफिकेंट कंटेप्रेरी ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन सो बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर सिक्स है जैसे मैंने आपको कहा था एक नए लॉ के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 थर्टी वो जो फिलहाल जो लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे तीन चार लेक्चर्स कंप्लीटली लॉ बेस्ड होंगे क्योंकि इसके अंदर कानून है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स के पहले हमारे कंट्री में बनाए गए थे क्या होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट गैस की रिक्वायरमेंट्स है इसको आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे ओके नाउ द सेल ऑफ गुड गुड्स एक्ट डील्स विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी yani 1930 में ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो फॉर्म किया गया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस जहाँ पर सिंपल है सेल ऑफ गुड्स एक्ट है गुड्स की हम बात कर रहे हैं जहां पर एक गुड्स जो है जब कोई कंज्यूमर उसको खरीदता है तो हम अपनी जो भी ओनरशिप है वो क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं किसको जिसने उस गुड्स को खरीदा यानी कंज्यूमर को तो यहाँ पर अग्रीज टू ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस तो वो जो दे रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है बदले में क्या कर रहा है एक प्राइज अगर आप पे करोगे एक प्राइस पे करोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर आपने देखा होगा तो वैलिड एसेंशियल्स के अंदर क्या था कंसिड्रेशन होना ज़रूरी है बदले में आपको कुछ लेना है वो कंसिड्रेशन लॉफुल होना चाहिए तो डेफिनेटली अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो बदले में आप पैसे देते हो तो वो जो पैसा है उस ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या हो जाता है लॉफुल हो जाता है तो यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टू दी कंज्यूमर Now, contract of sale is a generic term which includes both a sale as well as an agreement to sell. Contract of sale जो है वो दोनों ही term को use करता है sale को भी और agreement to sell दोनों को ही This act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. It came into force on the first day of July 1930. थर्टी यानी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन थर्टी में ये जो एक्ट है वो इफेक्ट में आया है इन एक्शन आया है इम्प्लीमेंट किया गया है और पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर दिस एक्ट इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हेंस ट्रांजेक्शन अंडर दिस एक्ट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेमली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन कम्पैसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसर्न लीगिलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अप्लाई अब क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आई सी ए जो कि एटीन सेवनटी टू में फॉर्म किया गया था ये इस एक्ट का क्या है एक ब्रांच है एक तो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया गया जिसको हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको ब्रिटिश इंडिया ने पास किया था इंग्लिश कॉमन लॉ के तहत अब ये एक मेन लॉ बना हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब उसकी अलग अलग ब्रांचेज है जो हमको देखने मिलेगी अब क्योंकि हमने उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी पढ़े हैं प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए लॉफुल कंसिड्रेशन होना चाहिए कॉम्पिटेंट पार्टीज का होना उसके अंदर ज़रूरी है तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेबल आपके सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट के अंदर भी वैसे के वैसे ही रहेगी क्योंकि ये भी एक एक्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हर एक लॉ के लिए हर एक एक्ट के लिए क्या है ज़रूरी है ओके नाउ व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अब इज कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसको बोलते हैं जहाँ पर आपके पास कुछ ऑफर है बेचने के लिए और सामने वाला उसको खरीदने के लिए तैयार है बदले में एक प्राइज आपको पे कर रहा है द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीजिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीजिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है दो चीज एक तो आप गुड्स की डिलीवरी इमिजिएटली कर रहे हो और उसका इमीजिएट पेमेंट भी आपको मिल रहा है ऑफ फॉर द डिलीवरी और, और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स या तो आप डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो और दैट डिलीवरी और पेमेंट ऑफ बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड या तो आप चाहे उसकी डिलीवरी और पेमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं हम कई बार ऐसा करते हैं जाते हैं किसी चीज़ को खरीदे तुरंत हमने गुड्स को ले लिया तुरंत पैसे दे दिए हम गए किसी चीज़ को खरीदने के लिए गुड्स खरीद लिया बाय नाउ पे लेटर वाला सिस्टम अगर आपको याद होगा तो डिफर्ड पेमेंट हम जिसको बोलते हैं दूसरा ऑप्शन होता है आपने ई में उसको कन्वर्ट करवा दिया उसके अलावा आपने पोस्टपोन कर दिया कि ठीक है पंद्रह तारीख तक मेरे घर पे पहुंच जाना चाहिए आज एक तारीख है पंद्रह तारीख तक मेरे घर पे ये जो भी आपने बुकिंग कर दी वो आ जानी चाहिए आपके घर पे तो जब आप आपने वहाँ पर पार्टली पेमेंट कर दिया आपने रिमेनिंग पेमेंट बोला जब ये मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा बाकी का पैसा मैं दे दूंगा अब वो डिपेंड करता है आप दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या तय हुआ है ठीक है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दोनों ने मिलकर तय है, किए हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो ये इंक्लूड होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑफ सेल के अंदर नाउ सब्जेक्ट टू द द एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ अब प्रोविजन ऑफ एनी लॉ के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो बनता है हमारा ये या तो आप राइटिंग में बना सकते हो या तो आप वर्ड ऑफ माउथ के तहत क्या कर सकते हो डिसाइड कर सकते हो और पार्टली इन राइटिंग पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या तो आपने राइटिंग में आधा दे दिया आधा आपने वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल किया या तो फिर इट मे बी इंप्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कंडक्ट यानी कि बिहेवियर जो एक्शन में आप लेकर आए उसके ऊपर डिपेंड करता है देखो कई बार क्या होता है हम एक चीज़ खरीदते हैं अगर हम बोलते हैं कि ठीक है जैसे हम टेलर के पास चले गए हमने अपना कपड़ा दे दिया स्टिच करने फॉर एन एग्जाम्पल हमने कपड़ा स्टिच करने दे दिया टेलर ने हमको बोला कि भाई आपका स्टिचिंग का जो चार्जेस होगा वो होता है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ तो आपको उसने बिल दे दिया अब दो चीज़ें या तो आप बोल दोगे ठीक है कपड़ा मेरा डेफिनेटली इमीजिएटली तो मुझे मिलेगा नहीं तो आप क्या करेंगे आपने या तो छः सौ रुपये पूरे दे दिए तो टेलर ने आपके बिल पे लिख दिया फुल्ली पेड या तो आपने क्या किया आप बोलोगे ठीक है एक काम करो अभी आप थ्री हंड्रेड रखो या फाइव हंड्रेड रखो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट कपड़ा लेने के बाद में मैं आपको पे कर दूंगा तो टेलर वहां पर जो है वो लिख देगा उस बिल के ऊपर कि आपने कितना जो भी पेमेंट किया है वो लिख दिया और बैलेंस अमाउंट जो है वो अनपेड लिख दिया तो ये होता है हमारा पार्टली राइटिंग में भी लिख दिया वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से भी तय कर दिया वो कम्पलीटली दोनों पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है दोनों क्या डिसीजन लेना चाहते हैं ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जो कि हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेकेंड आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स जो कि सेक्शन सिक्स के तहत डिसाइड किया जाता है ओके द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और पोजेस्ड बाई द सेलर और फ्यूचर गुड्स अब ये जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का मेन जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सेल ऑफ गुड्स का क्या वो गुड्स है फॉर एग्जाम्पल ये आपका गुड है या मैं एज अ सेलर मैं आपको बेचना चाहती हूँ उसको तो ये मेरा सब्जेक्ट मैटर होता है तो गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी आईदर एग्जिस्टिंग गुड या तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है है आप आए मेरे आ, शॉप पर आपने इसको देखा पसंद किया आप इसको खरीदना चाहते हैं ओन्ड और बाय बाई सेलर तो अभी फिलहाल ये मेरे पोजेशन में ना मैं इसकी ओनरशिप हूँ और फ्यूचर में ये ओनरशिप ट्रांसफर होकर किसको मिलेगी आपको जब आप इसको पूरी तरीके से खरीद लेंगे देर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच सेलर डिपेंड्स अपॉन अ अंटिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन तो यहाँ पर जो सेल ऑफ गुड्स है यहाँ पर एक्विजिशन जो होगा सेलर की तरफ से वो डिपेंड करता है कंटिंजेंसी यानी कि फ्यूचर में

आपको आ, हमारे पास ये जो फ़ोन है वो अवेलेबल होगा फ्यूचर में जाके तो वो फ्यूचर गुड्स है लेकिन हमने अभी से उसका प्रमोशन किया आपको बताया कि हाँ भाई अगर आप ऑर्डर करोगे अगर आप बोलोगे आपको खरीदना ही है तो आप बुकिंग कर लो हम उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं दैट इज वॉट दी थर्ड पॉइंट सेस नेक्स्ट आता है कंडीशंस एंड वारंटी ओके स्टिपुलेशन इन अंट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफर टू गुड्स विच आर दबजेट देर ऑफ मी अंडीशन और वारंटी स्टिपुलेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर हमने किसी तरीके की कंडीशन या किसी तरीके की शर्त रखी हो तो अ कंडीशन इज स्टिपुलेशन फैक्ट प्रोविजन इन अ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीड बाई टू पार्टीज तो स्टिपुलेशन क्या है जो भी हमारे बीच में तय हुआ है वह दोनों ही पार्टीज उसमें क्या करती है अग्री करती है एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कि जरूरी है मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए द ब्रीच ऑफ विच गिव राइट टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपेड द ब्रीच ऑफ फिच यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यानी आपने जो प्रॉमिस किया अगर उस प्रॉमिस को आपने तोड़ दिया है तो अल्टीमेटली क्या होगा वो ऑफर के लिए क्या हो जाएगा रिफ्यूजल टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लीगेशन यानी हमारे बीच में जो तय किया था आपने उसको ब्रीच किया आपने उस प्रॉमिस को तोड़ दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा टूट जाएगा तो मुझे पूरा अधिकार है रिफ्यूज़ करने का नेक्स्ट अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक तो हमने देख लिया कंडीशन जो कि शर्त होती है हमारी उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो भी दो पार्टीज के बीच में डिसाइड हुआ है वारंटी क्या है स्टिपुलेशन कोलेट्रल है टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेज बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वारंटी देते हैं वारंटी क्या होता है कहीं ना कहीं कैसा uh, वारंटी जो है कहीं कही ना कहीं हम उसको मानकर चलते हैं जो कि मेन पर्पस है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हम वारंटी देते हैं हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं इतने पीरियड्स के लिए कि हाँ भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतने पीरियड तक के लिए वारंटी में रहेगा द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस तो अगर इस बीच में आप बोलते हो एक साल की वारंटी है उस बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्लेम कर सकते हैं जो डैमेज हुआ है उसके लिए क्लेम कर सकते हैं क्योंकि पीरियड अभी भी वारंटी पीरियड हमारा ऑन है बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप लेकिन आप नहीं बोल सकते ही नहीं मुझे रिफंड चाहिए क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वारंटी है एक्सेप्ट किया था अगर उस वारंटी पीरियड के अंदर मैं आपको वो दे, नहीं दे रही हूं तो दैट इज द टाइम वेर इन यू कैन गो अहेड विद नाउ वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और अ वारंटी डिपेंड इन ईच केस ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अभी जो शर्त हमने रखी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कंडीशन की या फिर वारंटी की यह डिपेंड करता है हमने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया कौन से बेसिस के ऊपर है स्टिपुलेशन में भी अ कंडीशन थ्रू दो कॉल्ड अ वारंटी इन दी कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेन एक ऐसी हो सकती जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी कह सकते हैं तो यहाँ पर हमने जो भी चीजें आपस में डिसाइड की है उन चीजों के बेसिस पर हम क्या करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं दैट्स वॉट अ कंडीशन एंड अ वारंटी इज इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट नौ लास्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है जिसमें आता है ड्यूटीज़ ऑफ सेलर एंड बायर तो सेक्शन थर्टी वन के तहत इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर दैम तो बायर और सेलर दोनों की ही ड्यूटी है परफॉर्म करना अपने कॉन्ट्रैक्ट को तो सेलर की ड्यूटी क्या है गुड्स को बेच दे अपने का, जो कंज्यूमर है उनको उन तक पहुँचा दे डिलीवर कर दे और बायर को उसके बदले में जो है खरीद कर उसका प्राइस पे करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो जो भी आपस में डिसाइड हुआ आधा पेमेंट करना है बाकी पेमेंट बाद में करना है ई एम आई में कन्वर्ट करना है डिफर्ट पेमेंट के थ्रू बाय ना पे लेटर का ऑप्शन जो भी है वो आपने जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रखा है तो अपने प्रोमिस को आप दोनों को ही फुलफिल करना है नॉ डिलीवरी एज पर सेक्शन थर्टी थ्री डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनी थिंग विच द पार्टीज अग्री शाल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी ना डिली ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग जो भी जो भी तरीका आपको सही लगता है गुड्स को डिलीवर करने का या तो कस्टमर आकर खुद लेकर जाए या तो हम कस्टमर के घर तक उसको डिलीवर करवा रहे हैं जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टीज ने अग्री किया है उस पर डिपेंड करता है विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन दी पोजिशन ऑफ द बायर और ऑफ एनी पर्सन अथोराइज टू होल्ड दैम ऑन हिस्स बिहाफ़ तो या तो इसका पोजिशन बायर को मिल जाता है या तो अगर बायर बोलता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ लेकिन मेरे बदले में आप मेरे घर तक इसको पहुँचा दो रिसीव करने के लिए मेरे बिहाफ पर कोई भी रहेगा तो भी आप उन गुड्स को क्या करेंगे डिलीवर जो है वो करवा देंगे डिपेंड अपॉन दोनों ही पार्टीज के बीच में क्या अग्री हुआ है तो ये है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम करने वाले हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कौन से ऐसे गुड्स है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं क्या उनके प्रोविजन और रिक्वायरमेंट हमको कहते हैं एज कंज्यूमर जो हमारे लिए समझना जरूरी है ये पढ़ेंगे हम अपने लेक्चर सेवन में टिल देन स्टेट टू तो आर चैनल थैंक यू वेरी मच